आदित्यनाथ ने ICS उड़ान के अंतर्गत गोरखपुर लखनऊ गोरखपुर खंड में नई फ्लाइट का किया शुभारंभ तथा हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गोरखपुर में यात्रियों की बढ़ती संख्या मांग के आधार पर हवाई सेवा का किया जा रहा है विस्तारीकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन के विस्तार एवं शिलान्यास तथा गोरखपुर से लखनऊ के नई फ्लाइट का बटन दबाकर किया शुभारंभ। कहा, गोरखपुर से लखनऊ तक का किराया होगा 1,470 रुपए, प्रत्येक व्यक्ति कर सकेगा हवाई उड़ान। अमृत कार्यक्रम के तहत जनपद में निर्माणाधीन सीवरेज योजना का रविवार को नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार हरदीप पुरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्थलीय निरीक्षण। कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्माणाधीन अफोर्डेबल हाउस प्रोजेक्ट मानबेला का किया निरीक्षण। BLC घटक के 20 लाभार्थियों में प्रमाण पत्र का किया वितरण। कहा, प्रदेश सरकार ने 4 वर्ष में दिए 40 लाख आवास। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी चुनाव प्रभारी और RO व ARO को दिया गया प्रशिक्षण। बताई गई निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने की बारीकियां। गोरखपुर में रविवार को मिले 28 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,679। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 167 हो गए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। गाजेबाजी के साथ धूमधाम से निकला होलिका दहन का भव्य शोभा यात्रा। मनमोहक झांकियों ने लोगों को किया मंत्रमुग्ध। रंग गुलाल के साथ लोगों ने एक दूसरे को दी होली की बधाई। रविवार को मुस्लिम समाज ने बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया शबे बारात का पर्व। मुल्क के अमन चैन की मांगी दुआ। अपने पुरखों के मजारों पर की इबादत। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महानगर उत्तरी भाग के तत्वावधान में सूरजकुंड धाम परिसर में आयोजित हुआ होली महोत्सव। होली गीतों संग उड़े अबीर और गुलाल, एक दूसरे को दी होली की बधाई।